हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक यहाँ पे डीडी फ्री डिश का बॉक्स आया है। तो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, GX6101 का ये इसका मॉडल नंबर है। तो आप इसे नोट करके रखिए। और दोस्तों, इसका प्रॉब्लम आपको पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एडक्टर से ऑन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए इन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा यहाँ पे एडक्टर का ब्लिंकिंग हो रहा। तो यहाँ से हटा लेता हूँ, देखिए हटा लिया। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार डालता हूँ तो ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी एक बार आपके सामने, तो आप देख सकते हो, पहले इसे मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स को यहाँ पे हमने खोल लिया, और खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर से इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग वगैरह होगा, तब ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये एसी को मैं चेक करता हूँ, तो ये एसी हमारी 1.8 की सही है। तो यहाँ पे पीएफ सारे चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एक पीएफ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे डीप कंटिन्यूटी मिल रही है। तो दोस्तों, ये पीएफ को यहाँ से हटा के देखता हूँ, उसके बाद में नहीं होगा तो इस सिग्नल आईसी को हटाना पड़ेगा, और ये आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पीएफ को हटा के देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पीएफ को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। और रखने के बाद यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे, इसमें हमारा बीप तो आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे देखिए, ये पीएफ हमारा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो पीएफ हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो ऐसा हम दूसरे सर्किट में से निकल लेते हैं और यहाँ पे इन कर देते हैं। तो भी यहाँ पे मेरे पास सेम टू सेम मदरबोर्ड है, लेकिन इसका ये प्रोसेसर है वो ख़राब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पीएफ हमारा शॉर्ट हो चुका था। तो अभी यहाँ पे कितना वोल्ट आता है वो भी देखेंगे, और हमारा बॉक्स यहाँ पे देखते हैं यहाँ से ऑन होता है या नहीं। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट डीसी लगा लिया है, और यहाँ से एक बार ऑन करता हूँ। देखिए, अभी ऑन कर दिया है। तो दोस्तों, ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कितने वोल्ट पे शॉर्टिंग हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा आईसी का जो 15 वोल्ट बनता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ट्यूनर पे आता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी टीवी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा, तो ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यहाँ से केबल निकल दिया था, इसलिए नो सिग्नल दिखा रहा था। तो